या फिर मैं आपका दोस्त अंगद चौहान और आप देख रहे हैं ऑप्टेक वीएफएक्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अडोब एनिमेटर के बारे में, जो कि काफ़ी बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम 2D एनिमेट कर सकते हैं, खुद बना के 2D एनिमेट कर सकते हैं। ये एक अडोबी सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में कुछ इंटरफेस इसका। तो आइए हम चलते हैं स्क्रीन की ओर। ठीक है, ये मैंने पहले से काम करके रखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहां से कट कर लीजिए, डोंट चेक। ठीक, अब यहां पे मैं ओपन करता हूँ अडोबी एनिमेटर 21। ठीक है, जैसा कि ओपन हो रहा है यहां पे अडोबी एनिमेटर। जी हाँ दोस्तों, जब आप अडोबी एनिमेटर ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। घबराइएगा मत कि कुछ नहीं दिख रहा, सब कुछ दिखेगा, थोड़ा सा वेट करें। और हाँ, आप जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है और आप फाइल पर क्लिक करिए। यहाँ से देखिए न्यू फाइल लेने के लिए उसकी शॉर्ट की है एंड। ठीक है, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट कंट्रोल शिफ्ट है, कोई अगर टेम्पलेट आप यूज किए यूज है आपके पास तो आप उस टेम्पलेट को लेना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट 10 से जाकर उसको मॉडिफाई करना, ओपन कोई करना है कंट्रोल, मतलब आपको सारा इसका प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। अडोबी का लगभग सब एक ही समान होता है, अडोबी का मतलब जो भी इंटरफेस होता है थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बाकी सब एक समान है। ठीक है, तो यहाँ फाइल हो गया, एडिट हो गया, ठीक, व्यू हो गया, इंसर्ट हो गया, मॉडिफाई हो गया, टेक्स्ट हो गया, कमांड्स हो गया, कंट्रोल हो गया, डबक्स हो गया, विंडोज हो गया, हेल्प हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले न्यू पेज लेंगे जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एन, या यहाँ से आप खुद क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपके कंट्रोल एन या ओपन न्यू फाइल ले आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, आप देखिए फुल HD, हाफ HD या ऑलरेडी खुद साइज बना के दिया है अडोबी एनिमेटर, आप चाहे तो खुद क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से उसकी साइज क्रिएट कर सकते हैं, कम बेसी जो भी है यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। थोड़ा सब कुछ और ध्यान लेते हैं इसके बारे में, आपको अगर सोशल मीडिया पे मतलब कोई काम करना है तो उसकी साइजेस भी मिलेंगी, गेम्स पे काम करना है उसकी भी साइजेस मिलेंगी, अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाना है उसकी भी साइजेस मिलेंगी, और एड्स जो एड्स मतलब जो टीवी पे एड्स चलते हैं वैसे एड्स बनाना हो तो उसकी भी साइजेस मिलेंगी, अगर आप एक वेबसाइट डेवलपमेंट है वेबसाइट डेवलप करना है तो वैसे भी आपको इंटरफेस मिल जाएगा या उसकी साइज खुद मिल जाएगी, या एडवांस में आप मतलब देख रहे हैं आप सबका साइजेस अलग अलग मिल जाए सोशल मीडिया में, मतलब हमारे फ़ोन फेसबुक वगैरह जो भी आते हैं आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, फ़ोन में मिलेगा, फ़ोन में मिलता है, देखिए गेम्स में जाइए फ़ोन की साइज मिलेगा, कई अगर बहुत भीड़ मिलता है, मेरे को लगता है मेरे ख्याल से कि आपको कुछ क्रिएट करने के नेट से नहीं, अगर आप ध्यान से उसमें देखें तो आपको मिल जाएगा बहुत कुछ। ओके, ये बेचा एडवांस में कुछ आप यूज करते हैं। तो हम चलते हैं फुल HD के पास। ठीक है, तो यहाँ से हम जाके यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्रिएट तो देखिए आप मैंने क्रिएट कर लिया इसको अडोबी एनिमेटर को क्रिएट कर लिया, यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट किया तो मुझे इस तरह का इंटरफेस मिला। ठीक है, तो जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका फीचर्स दिख रहा है, मतलब जो भी है इंटरफेस वगैरह सिंपल सा सादा सा अच्छा जो भी है। ठीक, अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ से सेम वही जो आप कंट्रोल कमांड्स वगैरह जो भी वहाँ पे दिखा रहा था वो सब यहाँ पे मॉडिफाई टेक्स्ट कमांड्स
कंट्रोल कुछ करना है, कमांड्स वगैरह है सेम दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे हमने फोटोशॉप जब हम लोग ओपन करते थे तो वहाँ पे कई तरह की फाइलें ओपन दिखाती है यहाँ पे साइड में, देखिए यहाँ पे एक है, अभी मैं एक न्यू फाइल लूँगा फिर उसको भी दिखा देगा यहीं पर। मतलब आप यहाँ पे किसी भी फाइल वाइज जाके काम कर सकते हैं। ठीक, मैं इसको कट करता हूँ। और यहाँ पे जो ये आपका इंटरफेस ओपन हो रहा है, ये सारा टूल्स है, इस टूल्स का यूज करके हम यहाँ पे अपना वर्क क्रिएट करेंगे, कोई भी ग्राफिक वगैरह जो भी है, कोई भी एनिमेशन क्रिएट करेंगे। और आप ये जो थ्री डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हम इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो बहरहाल यहाँ पे कई टूल्स आपको शो करेंगे। और उस पर जाइए कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब कि आपका चेंज होता रहेगा टूल्स की जो भी है, तो यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए इसको। ठीक, तो इतना हो गया। ठीक है, आपको देखिए ये क्या टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन जब आप वीडियोस को ओपन करेंगे, मतलब कोई एनिमेशन देंगे किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आपको या किसी भी चीज़ या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये आपको यहाँ पे शो करेगा एनिमेशन है ये, इसको टाइमलाइन हम लोग बोलते हैं। अगर आपने Adobe After Effects या Adobe Premiere Pro पढ़ा होगा तो शायद आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ से आप इसका टाइमलाइन की जूम इन एंड जूम आउट घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जूम इन एंड जूम आउट। और यहाँ पे जैसे हम Adobe Photoshop में लेयर वाइज काम करते थे, सेम उसी तरह यहाँ पर भी आपको लेयर वाइज काम करने को मिलेगा। लेयर वाइज करने से आपका बहुत बेनिफिट होता है। लेयर वाइज से मतलब होता है कि आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कंट्रोल्स, आप उस लेयर पे कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप एक ही लेयर पे कई सबमिट कर दिए तो आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कंट्रोल्स आपको मिल जाता है। और मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। और हाँ देखिए यहाँ पे अगर आप एक इसका स्क्रीन मतलब चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आप एक एनिमेटर हैं, वीडियो एनिमेटर हैं, तो यहाँ पे आप अपने एनिमेटर हैं तो एनिमेटर ले सकते हैं, बेसिक आपको नॉलेज मतलब लर्निंग करने से ले सकते हैं, और क्लासिक काम करने उसको ले सकते हैं। एक डिज़ाइनर है, डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, तो उस तरह का यहाँ पे मतलब आपको इंटरफेस, इसको क्लिक करेंगे तो आपको इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, देखिए आप एक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस प्रेस करेगा। आप अगर आप डेवलपमेंटिंग काम करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट जो होते हैं उनके लिए होता है, इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, इसेंशियल, इसेंशियल सबसे अच्छा है, इसेंशियल होता है, इसेंशियल मतलब कि जो आप करेगा उससे मिलेगा। और वो भी सारा इसेंशियल पे ही काम करता है, और वो भी का मतलब सारा इसेंशियल। ठीक है, और यहाँ पे आप एनिमेटर, एनिमेटर काम करते हैं, एनिमेटिंग का उस तरह का आपको देगा। तो हम यहाँ से जाके इसको इसेंशियल पे करते हैं, ओके, सिंपल मेन्यू पे आ गए। अब हम यहाँ पे आपको एक न्यू लेयर लेके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ से न्यू लेयर लेंगे, न्यू लेयर यहाँ से क्रिएट करिए, और यहाँ पे आप सिप चेंज, सिप बनाइए, सिप दिखाता हूँ आपको। एक मैं सिप लेके दिखाता हूँ, रेक्टेंगल टूल है, आर इसकी शॉर्ट की है, और उसको ऐसे बनाता हूँ। देख रहे हैं इसमें हल्का हल्का Adobe का आपको इसमें हल्का हल्का ये मिला, क्या बोलते हैं, बॉर्डर मिला, स्ट्रोक। अगर आपको ये स्ट्रोक हटाना है तो आपको यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे क्लिक करना होगा। देखिए स्ट्रोक हट गया, अभी तो नहीं हटा, लेकिन मैं रहा क्यों नहीं हटा, क्योंकि आपको ये काम पहले से करना चाहिए था। देखिए अगर अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये क्या है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, इसका यूज करके मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही वर्क करेगा। ओके, तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में आता हूँ। अब मैं यहाँ से क्या करूँ, या तो मैं इसको हटा सकता हूँ, या नहीं तो मैं यहाँ पर फुल फिल कर सकता हूँ कलर्स वगैरह। तो कलर्स फिल करना है आपको यहाँ पर, कई तरह के तमाम कलर के कलर्स मिल जाएंगे। अगर इसके अलावा आपको अनदर कलर बनाना है खुद से, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे कलर चूज कर दीजिए, जो कलर चाहिए ओके करिए। ठीक है,
एक और मैं लेयर लेता हूँ और यहाँ पर एक न्यू ग्राफिक्स में, ठीक। और मैं यहाँ पे इसका स्ट्रोक लेता हूँ, स्ट्रोक मतलब इसको बढ़ा लेता हूँ, हाँ और मैं यहाँ पे जाके सेलेक्शन करने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इसकी स्ट्रोक ओपेसिटी कम बेसी कर सकते हैं। स्ट्रोक का कलर चेंज करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे इनको मैं ब्लैक करता हूँ और इसमें फिल कलर भी चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे वो कुछ उसके मतलब मॉडल्स वगैरह प्लानिंग चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। बहरा देखें कैसा कैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सिंपल कर लीजिए, यहाँ पे सिंपल करिए और यहाँ पे देखिए आप इसके चार चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो इसका कॉर्नर वगैरह है, इसका कॉर्नर चेंज करना है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉर्नर चेंज हो रही है। देखिए हम ध्यान से कॉर्नर चेंज हो रहा है इसका। ठीक है, तो इतना हम जान रहे हैं तो भी आपको आगे बताया जाएगा। जैसा कि अब और यहाँ पे एक बात और आपको बता दूँ, जान रख के लिए इसको मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। ठीक, अगर आप इसका स्क्रीन चेंज करना चाहते हैं, जैसे इसको यहाँ पे ला करके यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको ला करके यहाँ पे लगा सकते हैं, या कोई स्क्रीन मान लीजिए आपसे मतलब बंद हो गया, कोई दिख नहीं रहा, शो नहीं कर रहा, यूँ हो गया, वहाँ से हो गया, तो आप घबराइएगा मत। अगर कोई चीज़ शो नहीं कर रहा है आप सीधे जाइए विंडोज़ पे जाइए और यहाँ पे आपको लिखा होगा वर्क स्पेस, वर्क स्पेस पे आइए और यहाँ पे रिसेट एक्सटेंशन रिसेट एसेंशियल कर दीजिए, फिर ये आपको जियो का पेन मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा क्लास। आई थिंक सो एनफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।